सोचो तुम अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हो, सुबह की कॉफी पी रहे हो और नॉर्मल स्कूल डेज बिता रहे हो और अचानक से तुम्हें घर आते वक्त घूस दिखने लग जाए। वेलकम टू द अमेजिंग लाइफ ऑफ मीको यत्सुया। अगर कोई भी इस एनिमे की मेन कैरेक्टर से पूछे व्हाट शी वांट टू बी इन फ्यूचर, तो उसका आंसर वो देगी, आई वुड लाइक टू बी एन इग्नोरिस्ट। हेलो, सैम बोल रही हूँ। आज हम मेरे को जान के डर और हंसी से भरी दुनिया में जाने वाले हैं, जहाँ भूत एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ उसे दिखते हैं। पर तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। मेरू को चैन कोई आम हॉरर एनिमे नहीं है, ये डर और कॉमेडी को परफेक्टली मिक्स करता है। एंड बिलीव करो, दिस कॉम्बो इज ऑल यू नीड। मेरू को चैन, ऑल्सो नोन एज द गर्ल हू कैन सी देम, 2018 की एक मांगा सीरीज थी जिसका एनिमे अडेप्टेशन 2021 में आया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरू को चैन एक आम स्कूल गर्ल एनिमे है, तो एक बार फिर से सोच लो। मेरू को चैन एक हॉरर कॉमेडी एनिमे है जहाँ मीको यत्सुया, एक स्कूल गर्ल, अचानक से भूतों को देखने लग जाती है। आगे बढ़ने से पहले, इस एनिमे का नाम इस लड़की पे बेस्ड नहीं है। इस लड़की का नाम मीकू है और एनिमे का नाम मीरेकू चैन है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है आई कैन सी इट। एनिमे की दुनिया में जहाँ स्कूल गर्ल पॉप बैंड बना सकती है या फिर इंटरगैलेक्टिक वॉर भी लड़ सकती है, वहीं मीको यत्सुया बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसकी लाइफ का मोटो है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई विल इग्नोर देम ऑल। जहाँ किसी नॉर्मल एनिमे का प्लॉट होता कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को गोस्ट हंटिंग पे लगा देते, वहीं मेरू को चैन इस हायरार्की को तोड़ देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान होने दो। क्या ही फर्क पड़ता है, गोस्ट तो दिख रहे हैं, चाहे वो गोस्ट उसे हर जगह क्यों नहीं दिख रहे हो। उसे स्कूल जाते हुए घोस्ट दिखते हैं, उसे शॉपिंग करते हुए घोस्ट दिखते हैं, उसे घर में घोस्ट दिखते हैं, उसे बाहर घोस्ट दिखते हैं, उसे खाते हुए घोस्ट दिखते हैं, उसे नहाते हुए घोस्ट दिखते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ उसे घोस्ट नहीं दिख रहे हैं। बट स्टिल विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है हमारी मीकू की। क्या ये उसकी जिद है या फिर हिम्मत या फिर एक टिपिकल टीनेजर का आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड? कुछ भी हो, तुम्हारे लिए तो देखने लायक है और सुपर एंटरटेनिंग भी। अपने लिए तो मीकू घोस्ट को इग्नोर कर सकती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं। तो ये है हमारी मीकू की बेस्ट फ्रेंड हाना, जो कि लिटरली एक घोस्ट मैग्नेट है और ज्यादातर लोगों को इस एनिमे को देखने की वजह भी। तो डिड आई टोल्ड यू दिस एनिमे इज नॉट ऑल अबाउट हॉरर एंड कॉमेडी, बल्कि इसमें अच्छी मोमेंट्स भी बहुत हैं, पर इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तो हमारी मीकू एक लॉयल फ्रेंड होने के नाते अपनी बेस्ट फ्रेंड हाना को किसी और को टच करने नहीं दे सकती, इसीलिए वो दोनों जाते हैं श्राइन में और वहाँ वो भगवान से मांगती है कि काश ये हाना के पीछे से ये आत्मा हट जाए और उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। श्राइन में होता है चमत्कार, दो स्पिरिट्स आके मीकू की मदद करती हैं। मगर क्या ये सच में अच्छी स्पिरिट्स हैं? वेल, इसका आंसर जानने के लिए तो तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। मीकू ऑडियंस के बीच काफी जल्दी फेमस हो गई थी। उसका और उसकी बेस्ट फ्रेंड हाना का रिश्ता बड़ा प्यारा है और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ कैरेक्टर थोड़ी खत्म हुए हैं, हमारी मीकू की एक सीक्रेट राइवल भी है, जो राइवल तो है पर मीकू को भी नहीं पता वो उसकी राइवल है, जिसका नाम है यूरिया। और इसके साथ मुझे भी कुछ कुछ दिख रहा है वाला सीन है। नहीं, गलत समझ रहे हो, वो नहीं। मीकू एक ऑर्डिनरी स्कूल गर्ल है, पर उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी उसे स्पेशल बनाती है। और इस एनिमे में हम देखते हैं उसके हर दिन का स्ट्रगल, कैसे वो ओवरकम करती है अपने फियर को और नॉर्मल रहती है हर किसी के सामने। लेकिन इससे भी बड़ा हमारे लिए एक ट्विस्ट है इस एनिमे में। जब बीच बीच में टेंशन सबसे ज्यादा होती है, तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड से सीन देखने को मिलेंगे, क्लीवेज शॉट, पेंटी शॉट, जूम्ड इट, अब तुम समझ जाओ। तो मैं एक फेयर वार्निंग देना चाहती हूँ, दिस एनिमे इज नॉट एडवाइस टू वॉच विद पेरेंट्स। हॉरर एनिमे सोच के इसे पेरेंट्स के साथ मत देखने बैठ जाना। मतलब टोटली सीरियस सीन के बीच में ऐसे मोमेंट थोड़ा ऑफ बीट लगता है। तो इन्हीं सीन्स की वजह से बहुत से फैंस सोचते हैं इस सीन में इसकी जरूरत क्या थी। लेकिन सुनो, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ अगर तुम्हें अच्छी एलिमेंट्स पसंद है तो। अब सोचो, तुम एक टेंशन वाले माहौल में डूब रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक भूतिया क्लाइमेक्स होगा और फिर एकदम से तुम्हें अपना भाई दिख जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने वाली थी? ओके, दिस एनिमे समटाइम फील लाइक कि तुम सस्पेंस थ्रिलर देख रहे हो और एकदम से किसी ने आइटम सॉन्ग बजा दिया। ओके, कुछ फैंस के हिसाब से मेरे को चैन डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये हॉरर है, कॉमेडी है या फिर एक छुपा हुआ एच्ची शो। लेकिन इस ह्यूमर के पीछे मेरे को चैन का एक डीपर थीम छुपा हुआ है कि एक अनजाना सा कॉन्स्टेंट डर और जिन चीजों को हम लाइफ में इग्नोर करते हैं और डेथ की स्केरी रियलिटी। लेकिन दोस्तों, तुम इतना डीप क्यों जाते हो? तुम्हें तो हंसना है, डैडी का काम मीकू पे छोड़ दो और देखो उसे स्पिरिट्स को इग्नोर करते हुए और एंजॉय करो। पुराने टिपिकल हॉरर शोज के बीच में मेरे को चैन डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। भूत, स्कूल लाइफ, दोस्ती और फैन सर्विस, मेरे को चैन डेफिनेटली एक यूनिक ब्लेंड है जिसे देखना मत भूलना। फैन सर्विस से शो थोड़ा ऑफबीट लगेगा, बट ओवरऑल शो आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगा जहाँ डर और हंसी हैंड इन हैंड चलती है। वेल, ये एनिमे स्पेशल क्यों ही नहीं होगा? इस एनिमे को स्टूडियो पैसिओने ने बनाया है, जो पहले भी सक्सेसफुल हॉरर कॉमेडी एनिमे बना चुके हैं, जैसे हगुराशी नो नाकुकोरोनी और हाई स्कूल DXD।
तो मेरे को चैन को अपने हैलोवीन लिस्ट में जरूर शामिल करना अगर तुम्हें हॉरर कॉमेडी एनिमे विद अ लिटिल एची मोमेंट्स पसंद है तो। और बाकी एनिमे के सजेशंस तो मैंने शॉर्ट्स में बनाए रखे हैं, उन्हें भी चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे को चैन देखा है तो इस एनिमे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो।